बेटा जी ईदां ने अमीरां लोकां दीआं गरीबां दीआं ईदां कित्थों ने। छोटी ईद ते भी कोई खुशी नहीं सी, ईद दी ते वड्डी आ रही उंदे ते भी कोई वसायल ही नहीं। सारी रात उधर मच्छर नहीं सौन देंदा, उधर बच्चे भुख नाल रोंदे ने, आप भी तड़फने भुख नाल, बच्चे भी ते बड़े परेशान होए बैठे हैं, बिल्कुल ही खाना खान नूं कोई वसायल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दुख भरी दास्तान है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ साहब जो के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं और साथ ही साथ ये चल भी नहीं सकते हैं। नाज़रीन, इनकी 6 बेटियां थी, 6 बेटियों में से 2 जो बेटियाँ हैं वो कोरोना वायरस आने से पहले बाहर घरों में जाके काम करती थी, लेकिन नाज़रीन जैसे ही कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में आया, उसने तबाही मचाई। इनका ये कहना है कि 2 बेटियां जो काम करती थीं, जो घर का सिलसिला चलाती थीं, उनको काम से भी निकाल दिया गया है। नाज़रीन, उसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि पिछले 4 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ और सिर्फ पानी से गुजारा कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाना खा सकूं और अपनी दवाइयां ले सकूं। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, पिछले 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया बेटा, सुआ पानी तो। दिन भर रात बच्चे रोंदे ने, खाना खान नू पैसे नहीं ने, कोल कारोबार कोई नहीं ने। बच्चियां 2 कर दियां सन, वह करोना की वजह से 3 महीने हो गए, मालकान ने कोठी वाले ने कट दित्तियां ने, करोना तो बाद रखा दे। उन्होंने घर का खाता चलिया होया सी, खाना खा पाईदा सी, ते बड़े परेशान आ। जिसले बच्चे रो ते खाना मंगते ने, उसले जिंदगी गुजारन का मौका ही नहीं मिलता है कि किस तरह ये बाकी की जिंदगी बच्चों नाल गुजारनी है। उसले दिल करता है कि बच्चों नूं भी छड़ के किसी दान नूं निकल जाइए, कोई वसायल नहीं बच्चों के खाना खुआवन नूं। बच्चे रोंदे ने, कित्थों खुआइए, दवाई लैन नूं पैसा नहीं है, रोटी खाण नूं पैसा नहीं है, ते बड़े मजबूर होए पए, कोई कारोबार नहीं। बंदा मेरा बीमार है, आ मैं बीमार हाँ, निके निके बच्चे ने, छोटी जी छोटी सारियां तो बच्ची 8 साल दी, वह बेचारी किसी के घर गई, सुबह दी रोंदी पई है, मैनू भुख लगी, उधर चाचे के घर चली गई, बाकी बेचारे चुप करके बैठे ने, उन्हें हुण की करिए, खाना तो सारे मंगते ने, रोंदे ने। जिसले खाना मंगते ने, उसले दिल आंसू रोंदा है खून दे कि असी बच्चों नाल की कर, जुल्म साडे नाल हो रहा, असी बच्चों नूं कित्थों खाना खुआईए। मानिए दसो कि जो 2 बेटियां थी पहले वो घर को चला रही थी? हाँ जी, वो बच्चियां घर चला रही सी, उन्हें तनखावां आंदियां सन, राशन लैके महीने का रख लईदा सी, बाकी आधा थोड़ा थोड़ा दवाई दा सी, तो वो आधा घर का खाता सीधा होया रहिंदा सी। बच्चियां घर आ गई ने, कोई कारोबार नहीं, कोई वसायल नहीं, बाहर अंदर निकलिए जे किधरों को दिहाड़ी मजदूरी लभ गई तो खा छड्डा, नहीं तो अल्लाह दे सिर नूं दुआ दिता। 4 दिनों तो लैके तो रोटी वेखी भी नहीं है। अज इन्ना बच्चे जो हैं वो तो फिर खून के आंसू रोते होंगे, आप किस तरह सोती होंगी? चुप करके अल्लाह दे सिर नूं दुआ दे दी, बच्चों नूं चुप करा के सौ जाइदा, आ भी सौ जाइदा, बच्चों नूं भी सौं देइदा। सारी रात उधर मच्छर नहीं सौन देता, उधर बच्चे भुख नाल रोंदे ने, आप भी तड़फने भुख नाल, बच्चे भी ते बड़े परेशान होए बैठे हैं, बिल्कुल ही खाना खान नूं कोई वसायल नहीं है। अज तो इन्ना नहीं है कि शाम नूं बच्चों नूं रोटी बुरकी लिया के दे दईए ते बच्चे चुप कर जाए। सुबह दे भी भुखे ने, हुण भी कोई बिल्कुल ही वसायल नहीं है कि बच्चों नूं कित्थों खाना खुआईए। मां जी, दसो कि आपके बेटे कितने हैं, वो काम नहीं करते? बेटे छोटे ने, बेटियां वड्डियां ने, शाम तक रोटी का इंतजार करते ने कि किसी पासों ते दिहाड़ी लगे दी ते शाम नूं रोटी खावांगे। हां जी, फिर जो ईद आ रही है वो आपकी ईद तो ना हुई? नहीं, साडे वास्ते कोनी ईदां ने बेटा जी, ईदां ने अमीरां लोकां दीआं, गरीबां दीआं ईदां कित्थों ने। छोटी ईद ते भी कोई खुशी नहीं सी, ईद दी ते वड्डी आ रही उंदे ते भी कोई वसायल ही नहीं, किसी दी नहीं जुत्ती, नहीं कोई कपड़ा, खाना नहीं उन्हां दा बच्चों का पूरा हो सकता है, तो जुत्ती कपड़ा कित्थों लैना,
कोल को पैसा होवे तो बच्चों का खाना बच्चों खुआईए, जुत्ती कपड़ा लईए, पानी पीने नहीं है, सुक्या सड़िया प्लाटा च बैठे उत्ते साडा कोई गुजारा नहीं, सानू को प्लाटा में कोई सहारा ही नहीं है रोटी खाने, बिल्कुल फर्क बैठे हुए हैं, ना बच्चे पढ़ा सके ना खाना उन्होंने पेट भर के खाने लभदा, तो ना ही वह बेचारे सौ सकते भुख न, दिन भर रात रोंदे रहन दे बैठे रहन दे, ना उन्हों का पेट भरया आवे, ना उन्होंने आराम सुकून आवे, ना वो सवन ना वो खेडन, बड़े परेशान हो बैठे अज तो इन्ना नहीं है कि उन्होंने को खाना खुआ लीए जा उन्होंने को पानी पिला लीए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि पिछले चार दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया? कुछ नहीं खाया जनाब, कोई कारोबार नहीं, वेले बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने, किसी की जगह के बैठे हैं, जो कारोबार की तलाश से निकलने हैं पिछू मालक का फोन चला जाता कि जगह खाली करो, दसो असी अगे जाके कितने समान रखिए, हूँ तो यही दिल करता है कि घर छड़ के बच्चों छड़ के किसी पास चले जाइए, इन्ने को मजबूर होए बैठे हैं कि अज इन्हें नहीं कि बच्चों असी कोई रोजी कमा के खा लीए, तो ये यकीन गल फर्क बैठे हैं, बच्चे आ जाते मैं तुम बहा देना, बच्चे काम करन जोगे नहीं, छे सत साल हो गए मैं बीमार पैया, तो बच्चिया काम कर दया सन, छाती भी उन्होंने करनी, उन्होंने घर चु कढ़ दिता करोना वायरस की वजह तो, ना को इतों पानी साढ़े को ना बत्ती ना को मकान, मैं मकान किराए तो लिया आया से, किराया ना देने की वजह तो मालकान ने मेरे मकान में ताला ला लिया, मेरा जो समान से सारा मैं उतों आ के चुगी ला के बच्चे ला के बैठा, मजदूरी किसी दिन मिल जाती किसी दिन नहीं मिलती, मजदूरी करन जोगा भी नहीं मैं, इन्ना मैनू तकलीफ हैगी, दर्द लक दी मेरी, तो बीवी मेरी वो भी घर के बच्चे तुहाडे वाले गया चल थोड़ा बहुत काम कर दिता, अगे गया चल किसी ने आख दिता मेरे कपड़े धो दे, हूँ वो भी नहीं घर के बच्चे वड़न देंगे, दसो किहड़े पासे नूं जाइए, कोई इमदाद नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्हां नहीं सानू कोई पानी नहीं बत्ती नहीं, के लोग वेख लो बत्तियां दे विच बैठे ने पानी दे विच बैठे ने, पानी बत्ती तक अमदाद नहीं हैगी, ऐ खाली प्लाट दे विच बैठे हैं ते सानू इत्थे नहीं बैन देंदे। अच्छा चार दिन से आप पानी से गुजारा कर? पानी से गुजारा कर रहे हैं, लाहौर दे विच बह के कोई अतबार ही नहीं करता कि लाहौर दे विच बह के तुसी भुखे मरदे पै जे, कारोबार ना होवे ते की करिए, तो बच्चे फिर रोते तो होंगे, ते बच्चे रोंदे ने, ऐ बच्चे मेरे दो बच्चे उधर गए ने रोटी दी वजह तो फुफी दे घर, सुबह दे बेचारे उत्थे गए ने, लेकिन आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते? नहीं फैलाते, अपनी मजदूरी करने हैं, ऐ बच्चे मेरे नु अज पंजवा चौथा दिन हो गया दिहाड़ी दे, उन्हू अगू पैसे नहीं मिल रहे, वो भी इस मुंडे नालों भी छोटा जेड़ा वड्डा मुंडा, बच्चियां वड्डियां ने बच्चे छोटे ने, पहले मैं पढ़ाता सा कारी नू घर बुलाया होया सी, स्कूले जांदे सन, इस हालात की वजह तो मेरे बच्चे ना पढ़ सके, ना कोई तलीम उन्होंने मैं दवा सकिया, ना कोई उन्होंने ऐसो जहाँ किस्म सिखा सकिया कि अपनी मेहनत मजदूरी के बच्चे वर गए, कि उन्होंने दीन दुनिया का ही नहीं पता, मैं स्कूल के पढ़ते बच्चे हटा लै। नहीं अच्छा आपको ये कहना है कि अब आपके पास कोई चारा नहीं है? कोई चारा, और आप ये कह रहे हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि हम जिंदगी छोड़ के चले जाइए, छोड़ते चले बच्चों को छोड़ के चले जाइए, इन्हें को मजबूर ते तंग होए बैठे हैं कि छह बेटियां ने तीन बेटे ने बेटे छोटे ने बेटियां बड़ियां सा, तो जो दो बेटियां थी वो काम करती थी और कोरोना वायरस आने के बाद उनको काम से निकाल दिया? काम से निकाल दिया, वो भी बेलियां बेचारियां घर बैठी हैं, एक बच्ची उधर गई एक और बैठी सामने, उन्होंने भी काट उन्होंने काट दिया कि कोरोना तो बाद आया जी। तो आप खुद काम नहीं करते? नहीं करते। उसकी क्या वजह? मैं बीमार हूँ। किस चीज़? ए, मेरे लक दे मोरियां दे लतां नूं दर्द, लतां मेरियां सुजियां
ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਜਿਹਨਾ ਪੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੱਸਣਾ 0301 49 70 560। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਇਨਕੀ ਗੁਫਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੂਨ ਕੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਕੇ ਜੋ ਆਂਸੂ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਥੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ ਯੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਵੋ ਜੋ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਥੀ ਵਹੀ ਘਰ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕੋ ਵੀ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਵੋ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਇਹਨੋਨੇ ਸਿਵਾਏ ਪਾਣੀ ਕੇ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਇਨਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਕੋ ਜਬ ਬੱਚੇ ਖਾਨੇ ਕਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਖੂਨ ਕੇ ਆਂਸੂ ਰੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲ ਯੇ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਹੀ ਯਹੀਂ ਪੇ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਕਾਮ ਪੇ ਕੈਸੇ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਥੀ ਵੋ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਸੇ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਐਸਾ ਘੇਰਾ ਵੋ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਕੀ ਸਕਰੀਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਕੋ ਖੂਨ ਕੇ ਆਂਸੂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਨਕਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਈਦੇ ਹੈ, ਯੇ ਜੋ ਈਦ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਹੱਕ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਐਸੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਤੇ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਤਨਾ ਆਪਕੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਸੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਇਨਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਅਮੀਰ ਚੌਕ ਆਪ ਇਨਸੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਇਨਕੋ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਵੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਦੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਦੋ ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।